तो एक बात तो यह है कि पांच नमाजें कभी माफ नहीं है, अल्लाह के यहां नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं। यहां इतने सारे मौलाना जरा बताओ मैं कोई मुझे, अल्लाह के यहां नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं, अल्लाह के यहां नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं, अल्लाह के यहां नहीं पूछा जाएगा नियाज़ फातिहा किया था कि नहीं। साफ साफ सुनो, और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूं, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहां नहीं पूछी जाएगी। ख्वाजा साहब के यहां कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। ताजिया बनाया था कि नहीं बनाया था, नहीं पूछा जाएगा। हां यह जरूर होगा कि यह काम तुम्हारा अच्छा था कि बुरा, उसी पे तुम्हारे आमाल की जजा सजा तय कर दी जाएगी। उर्स में नगाड़ा बजाया था कि नहीं, नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देकर राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? रोजे महशर की जहां गुदाज बुअद, अव्वली पुरुष से नमाज बुअद। पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा, तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं, और जजा सजा इस पे तय हो। जान पिघलती होगी, सूरज सवा नेजे पे होगा, साये रहमत के अलावा कोई साया नहीं होगा। मां बेटी को नहीं पहचान रही होगी, बेटी मां को नहीं पहचान रही होगी, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होगा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अंबिया कराम का आलम यह है कि खुदा के सामने जाने के लिए लरज रहे होंगे। कितना बड़ा कलेजा है हमारी इस उम्मत का। जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछ गछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है।